This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी पर. आज का दिन है मंगलवार, यानी कि 12 अप्रैल 2022. नमस्कार, मैं निशा लेकर आई हूँ कागज नगर की शाम की ताज़ा तरीन खबरें. आइए शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से. जोड़ेघाट पहुंचे एसएस राजमौली. घपले से भर्ती हुए टीचर पर कार्रवाई की मांग. वीजीएफ फाउंडेशन ने बांटे ग्रीन बोर्ड. खत्म हुई कागज नगर म्युनिसिपल कर्मचारियों की हड़ताल. तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से. कोमरम भीम जिला केंद्र आसिफाबाद में सिनेमा निर्देशक एसएस राजमौली ने दौरा किया. वो कोमरम भीम की कर्मभूमि जोड़े घाट भी गए. वहां से आसिफाबाद आते ही जिला कलेक्टर राहुल राज ने एसएस राजमौली का जोरदार स्वागत किया. उसके बाद राजमौली ने मिनी बबल सिनेमा थिएटर पिक्चर टाइम का निरीक्षण किया. उनके द्वारा निर्देश की गई तेलुगु सिनेमा आरआरआर उस सिनेमा टॉकीज में उन्होंने देखी और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का सिनेमा थिएटर देश में पहला थिएटर है. तेलंगाना में कुछ कारणों के कारण सिनेमा थिएटर बंद हो गए हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रकार थिएटर तेलंगाना में 3000 के आसपास बनाने की उनकी इच्छा है. कोमरम भीम जिले में सिर्फ 2 ही सिनेमा हॉल बच गए हैं और भी ऐसे सिनेमा हॉल बनने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा. उन्होंने आसिफाबाद महिला संघ की सराहना की और उन्होंने कहा कि आरआरआर फिल्म कोमरम भीम की भूमिका जूनियर एनटीआर ने निभाई है और कोमरम भीम के जिले में आकर उन्हें बहुत खुशी हुई है. चिंतागुड़ा के सरकारी स्कूल में टीचर का काम कर रहे जीतू नायक सपावत पर केस दर्ज हो गया है. ये केस लिंगया कुमारी ने दर्ज किया. उनका कहना है कि जीतू नायक धोखे से सरकारी टीचर बने हैं. सरकार के जॉब नोटिफिकेशन के अनुसार एक एजेंसी इलाके के रहने वाले व्यक्ति को ये नौकरी मिलनी थी, लेकिन मर्तडी के रहने वाले जीतू ने फॉर्म भरते समय गलत सूचना देते हुए खुद को ऊट सारंगपल्ली के एजेंसी इलाके में रहने की बात लिखी. ये कोई ऐसी वैसी गलती नहीं थी, इसमें पूरे सिस्टम और राजनैतिक ताकतों ने जीतू की मदद की, ऐसा लिंगया ने आरोप लगाया. 2005 में इस एजेंसी कोटे से जीतू नायक की सरकारी टीचर के पद पर भर्ती हुई थी. लिंगया ने तहसीलदार से ये अपील की है कि जल्द से जल्द गलत सूचना देने वाले जीतू नायक को नौकरी से निकालकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. आज कागज नगर के भटपल्ली सरकारी ZP स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ. डिप्टी कलेक्टर वरुण रेड्डी और DEO अशोक कुमार इस कार्यक्रम में शामिल रहे. VGF फाउंडेशन द्वारा 11 सरकारी स्कूलों में 37 ग्रीन बोर्ड मुफ्त में दान किए गए. ब्लैक बोर्ड से बेहतर ग्रीन बोर्ड के लगने पर सभी ने खुशी जताई. DEO अशोक कुमार ने VGF फाउंडेशन को इस मदद के लिए धन्यवाद किया. उन्होंने 10वीं के बच्चों को भी ये बताया कि इस महीने उनकी परीक्षाएं हैं. उनके लिए सभी ने गुड लक भी कहा. कागज नगर में 12 दिनों से हड़ताल पर बैठे म्युनिसिपल कर्मचारियों का हड़ताल खत्म हुआ. 4 मुद्दों पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने कर्मचारियों की बातें मान ली. पहली चीज, 10 से 15 दिनों में सभी कर्मचारियों को यूनिफॉर्म मिलेगा. दूसरी चीज, कर्मचारियों के एरियर के पैसे तकनीकी कारणों से जमा नहीं हुए थे, जल्द ही जमा हो जाएंगे. तीसरी चीज, PF के पैसे अब तक जमा नहीं हुए. SPM से 1.5 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, जल्द ही वो मिलने वाले हैं, जिसके बाद सभी कर्मचारियों के PF का पैसा जमा हो जाएगा. चौथी चीज, जो कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवरों को रेगुलर किया गया उसमें घपला देखने को मिला, उसकी जांच होगी और पैसे खाने वाले एजेंट को पकड़कर कार्रवाई की जाएगी. इन चारों मांगों के पूरे होने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई. दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए. अपने दोस्तों,
परिजनों और खास तौर पर कागज नगर के लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको अपनी कोई राय हमें देनी हो तो आप कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोस आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।